अभी हम मौजूद हैं अंदर रूम सर्कल के ओनर के पास और इनसे पूछते हैं कि सर आपको कैसे ख्याल आया कि जो पंजाब का कल्चर, जो डूबता हुआ कल्चर, जो तकरीबन 90% डूब चुका था, आपको कैसे ख्याल आया कि हमने ये कल्चर को जिंदा करना है और ये मेले ठेले जो पुराने दौर में घरों की शान हुआ करते थे, बच्चे तफरी का एक मुकाम होता था और अब ये चीज़ें खत्म होती जा रही थी। लेकिन मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और आज ये लाहौरियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं लाहौरियों कहूँगा जोक दर जोक आए और आगे ये देखे पंजाब का कल्चर जो असल आप कहते हैं पंजाबी, पंजाबी का बेसिकली आपको पता ही नहीं ये है पंजाबी। पंजाबी का मतलब है मेले ठेले, आए देखें, बच्चों को लाएं, सर्कस दिखाएं, जो शायद बच्चों को पता ही नहीं सर्कस होती क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अमजद भट। अमजद भाई जरा ये बताएं कि आप कब से ये सर्कस धूम सर्कस आप कर रहे हैं? धूम सर्कस हमारी 5वां साल है जी इस्लाम से हम कर रहे हैं। इससे पहले जानबाज सर्कस होती थी हमारी, चोरी मम्मा जो वेद साहब हैं हमारे जो ओनर हैं बिग बॉस, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था 16 साल पहले। तो अभी ये धूम सर्कस जो है ये 5 साल से इस नाम से चल रही है। सर आपको कैसे ख्याल आया कि जो पंजाब का ये कल्चर डूबता हुआ कल्चर मैंने इसको जिंदा करना है, इसके लिए आपको मेहनत तो बड़ी करनी पड़ी हो? जारी बात है जैसे हमारे हालात हैं इसमें आसान तो नहीं है ये काम करना, NOCs लेने पड़ते हैं। जी NOCs लेने पड़ते हैं, पहले होम डिपार्टमेंट से, फिर मकामी इंतजामिया से, DC साहब से, यहाँ से DIG साहब से, सबसे NOC लेना पड़ता है। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये चोरी साहब का विजन है कि हमने मुश्किल हालात में जो है आवाम को तफरी फराम करनी है, तो उनके विजन के मुताबिक ही हम चल रहे हैं, दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं कि इस घुटन के दौर में जो है ना आवाम को हम सस्ती जो मेयारी तफरी उनके डोर स्टेप पर जाके मुहैया कर सकें। तो उसी सिलसिले में अब हमने ये कोशिश की है, काफ़ी साल के बाद ये लाहौर में एक ये फेस्टिवल लगा है, तो इसके लिए हम इंतजामिया के भी शुक्रगुजार हैं कि जिनके कोऑपरेशन से ये मुमकिन हुआ है कि हम लाहौर के शहरियों को एक अच्छी मेयारी और सस्ती तफरी फराम कर सकें। सर लाहौरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आए और आके सरकार क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस घुटन के माहौल में जैसे कि हमारे बच्चे जो बेरारवी का शिकार हो रहे हैं उनके लिए इंटरटेनमेंट के ज़राए बहुत कम है, जैसे हमारे हालात हैं हम जो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मेरे बच्चे जो है ना वो घर पे रहें, बाहर ना निकलें, किसी बुरी एक्टिविटी में ना फंस जाएं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम एक अच्छी साफ सुथरी मेयारी तफरी फराम कर रहे हैं आवाम को, और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में हम जाते हैं, जगह जगह जाके शहर में तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि आवाम को अच्छी तफरी फराम करें। तो मेरा यही पैगाम है हमारे भाइयों लाहौरियों के लिए कि आए, आके देखें, जहाँ पे कोई कमी नज़र आती है वो हमें बताएं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको दूर करने की। और सर दूसरा ये बताएं कि टाइमिंग क्या है और कितने दिन के लिए ये लाहौरियों के लिए अपॉर्चुनिटी है? ये 5 दिन का एक फेस्टिवल है, आज हमारा पहला दिन है, इसके बाद 4 दिन हम यहाँ हैं। तो टाइमिंग जो इसकी 3:30 बजे पहला शो हमारा स्टार्ट होता है, उसके बाद 6:30 बजे, फिर उसके बाद 9:30 बजे। 3 शो? जी 3 शो होते हैं। लेकिन आदिन आपने धूम सर्कल के ओनर से बात उनकी बात सुनी कि वो कह रहे हैं 3 शो होते हैं और लाहौरियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी आए, बच्चों को लाएं, फैमिलीज को अपनी पूरी को लाएं और ये सर्कस दिखाएं, ये लाहौर की सकाफत, पूरे पंजाब की सकाफत है जो इन्होंने जिंदा किया। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बाइस हैं। अपने मेजबान खुर्रम सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।